हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखिए। और स्वागत है हमारे नगांती चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों देख सकते हैं नगांती जी क्या कर रही है सुबह सुबह, क्या कर रहे हैं जी? हाँ, तो साफ सफाई करिए। और मौसम दोस्तों ऐसा हुआ है कि इसमें तो इतना प्यारा सॉन्ग मेरे को सूझ रहा है, वो जो सब सुनाऊंगा आपको, तो वीडियो एंड तक देखिए। और इधर देख सकते हैं दोस्तों कैसा हम लोग का सपनों का घर का हाल हो गया। अभी भी बारिश का मौसम ऐसी बना हुआ है। और दोस्तों इधर देख सकते हैं बकरी, और बकरी के बच्चे को बाहर निकाल दिए, थोड़ा सा चर लेते, उसके बाद थोड़ा बहुत घास भी कहीं से ले आ के व्यवस्था करके इनको रख के घर में ही रखेंगे, क्योंकि आज ठंड मौसम कुछ ज़्यादा ही है। देख सकते हैं दोस्तों साल ओढ़ा हुआ हूँ। दोस्तों देख सकते हैं अभी नगांती चौहान जी घर को साफ सफाई कर रही है, और मैं चल रहा हूँ दोस्तों इनके लिए थोड़ा चाय गर्म कर लूँ। इधर चाय बना लिया हूँ, अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसको चाय को गर्म कर लेता हूँ। और बच्चों को चना मीठा और रात का जो खाना बचा था उसको गर्म करके खिला के स्कूल भेज दिए हैं। और घर में बहुत सारा काम है तो सब कर लेते हैं, उसके बाद छोटा सा प्यारा सा नगांती चौहान जी के लिए सॉन्ग लिखूँगा, फिर याद करके सुनाऊँगा। तो दोस्तों फाइनली सारा यहाँ से खटिया उटिया हम लोग बाहर निकाल दिए, क्योंकि कल बारिश में थोड़ा बहुत गीला हो गया था। तो देखते हैं सूख पाता है कि नहीं, ज़्यादा हाँ इधर थोड़ा गीला हो गया था ना जी। और उस ब्लॉग में देखे होंगे इनको बाहर मैंने निकलने नहीं दिए रात को, क्योंकि रात बारिश आ रहा था, भड़ा भड़ा हो रहा था टीम, तो और फिर इनको दिक्कत हो जाता। चलिए दोस्तों अब मौसम दोस्तों देख सकते कैसे कितना हवा तेज चल रहा है। चले इसको हम लोग थोड़ा सा पसार लेते हैं, अगर नहीं सूखेगा, धूप तो उगना चाहिए लेंच बाद, उसके बाद हवा सूख जाए। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा है, और आकाश को हम कैसे आज तो बिस्तर सूखेगा नहीं। हाँ इधर सुबह सुबह कपड़ा भी धुल के पसार दिए हैं, और मेरे करे जाइए बकरी के बच्चे के लिए और बकरी और मुर्गी के लिए घास कैसे पता भी तो लिए, क्योंकि मौसम बहुत तेज बारिश फिर आने वाला है। और बच्चों को स्कूल में भेज दिए, खाना वाना खिला के, और उनको खाना भी लंच में मिल जाएगा ना। और खाना नहीं बनता है तो एक घंटा पहले ही कॉल आ जाता है कि बच्चों का खाना आज नहीं आया है, आप लोग व्यवस्था करिए। तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, हाँ ले जाके टिफिन में भर के दे आते हैं, और साइकिल से अगर बीजे जाता है तो साइकिल से ही आ जाता है, तो वही लेके चला जाता है। चलिए दोस्तों मैं पहले घास कहीं से तोड़ ले आता हूँ, उसके बाद ऐसे प्यारे से रंगीन मौसम में आकाश के उनके लिए और अपने YouTube फैमिली के लिए बहुत प्यारा सॉन्ग सोच के रखा हूँ, जो आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। तो पहले घास तोड़ लेता हूँ, उसके बाद गाएंगे। घर में रख देती हूँ, ओपन एरिया में ही गाएंगे, शर्म किस बात की, दुनिया सुनती है तो सुनने दो ना जी, अपना काम करें। थोड़ा कह दीजिए काका बोलते हैं दोस्तों ऐसे से। हाँ तो चलिए कोई नहीं, आप लोग बस हिम्मत बढ़ाते रहिए, आप लोग हम लोग का हिम्मत है। तो चलिए मैं पहले घास तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ऐसे सुहाने मौसम में निकल चुका हूँ अपने बकरी के लिए घास तोड़ने के लिए। घास तो काटूंगा नहीं, पेड़ पे किसी पेड़ पे चढ़ के तोड़ लेता हूँ पत्ता। इधर नीम का पेड़ पे बहुत सारा पत्ता हुआ है दोस्तों, तो मैं अभी इस पे चढ़ने वाला हूँ, चढ़ के फिर तोड़ के ले जाकर रख दूँगा, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। जानवरों को अगर रखे हैं तो थोड़ा बहुत उनका भी देखभाल करना सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास भी जान है और थोड़ा सा दिमाग भी है। तो चलिए इनको पत्ता तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते फाइनली मैंने कहाँ चढ़ गया है, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से पूरा मस्त लग रहा है हमारा देहात बिहार का। तो चलिए दोस्तों फाइनली तोड़ लेता हूँ पहले नीम का पत्ता ढेर सारा, उसके बाद चलेंगे। यहीं से सॉन्ग सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा, देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त सीन है यहाँ का। तो चलिए मैं पहले पत्ता तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी नीम के पत्ता तोड़ा नहीं है, इधर देखिए कैसे आकाश के मम्मी के साथ आ गए सब। तो देखिए भूख लगा था इन लोगों को दोस्तों, तो चलिए हम लोग तोड़ के ले जाके अपना घर में ही रखते हैं। तो दोस्तों मुर्गी भी मुर्गी को क्यों तोड़ के लिए आई जी? हाँ तो दोनों एक साथ रहते हैं तीन चारों। तो चलिए दोस्तों मैं अभी इसी पे हूँ, थोड़ा सा और तोड़ लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे। अब दिन भर अपना जानवर खाते रहेंगे,
और फिर हम लोग अपना घर का काम करेंगे, जो आकाश के मम्मी के ब्लॉग में दिखने को मिलेगा, रियल लाइफ ब्लॉग में जो भी घर में काम करता है। और ये दोस्तों बता दूं कि ये चैनल खोला था, थोड़ा अपना सॉन्ग गाने का शौक रखता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोग को सपोर्ट मिलेगा, सहारा मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, तो मैं कुछ सीख सकूँ और बाकी अपने घर का काम और बाकी जो भी काम है मैं सीखा हूँ वो भी मिलता रहता है। क्योंकि दोस्तों कितना कमेंट आ रहा था आप कोई काम क्यों नहीं करते, तो काम भी मैं ढूंढते रहता हूँ और बाकी साटा में काम करता हूँ, तो साटा तो रोज़ होता नहीं शादी ब्याह, तो दोस्तों कोई नहीं, अभी इस महीना में तो नहीं, अगला महीना में बहुत सारा साटा है शादी ब्याह का, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर रख लेंगे और खाने वाने का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अपने घर का काम और ब्लॉग सब अपना बनाते रहेंगे और मेहनत करने से, आप लोग को हिम्मत बढ़ाने से कुछ सीखता हूँ, तो बहुत बड़ा मेहरबानी होगी आप लोग को, तो प्लीज़ हमारा ऐसी हिम्मत हौसला बढ़ाते रहिए। और बाकी शेयर सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बकरी के बच्चों का खाने का इंतज़ाम कर लिए, हम लोग भी चाय पी लिए हैं, अब बच्चों को खाना वाना खिला के भेज दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने से पहले ही एक थोड़ा सा सॉन्ग सुना देते हैं ना जी, आकाश कहीं खुश है, कौन सी सॉन्ग सुनाने वाले हैं, बहुत प्यारा लगेगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, खुशियाँ ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर अपना मन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के हो, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, बगिया से सुंदर अपना मन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आकाश की मम्मी का आवाज़ है इस थोड़ा सा लास्ट में, लेकिन गा नहीं रहे क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे को उतना अच्छा नहीं आ रहा है, और कितने बार रिपीट करें तो कोई नहीं, मैं ही सुना देता हूँ इनके बदले ना जी। हाँ बिल्कुल आप लोग को अच्छा लगेगा, और बाकी आप लोग कमेंट पे हौसला बढ़ाते रहिए, हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारा कुछ ख्वाब रखे हैं, सपना सजाए हैं कि ये सब सीखेंगे और घर का भी काम करेंगे, अपने खेती बाड़ी सब्जी वब्जी सब रोपेंगे, जिससे हमारे बच्चों के भविष्य बहुत आगे बढ़े। चलिए एंड स्टिक सुना देता हूँ। तेरे आँखों से सारा संसार मैं देखूँगा, देखूँगा इस पार या उस पार मैं देखूँगा, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तो चलिए दोस्तों इतना ही, और भी मेहनत करेंगे, बस आप लोग हिम्मत हौसला
बढ़ाते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए हम लोग रखते हैं, ब्लॉग एंड करते हैं, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।